जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की रीडिंग है कोरोना वायरस के लिए। जानते हैं कोरोना म्यूटेंट वायरस जो है वो भारत पे क्या असर करेगा, कैसे क्या भारत इससे निकल पाएगा, इस प्रॉब्लम से जो 2020 में स्टार्ट हुई है और अभी तक इसका प्रॉब्लम चल रहा है। साथ ही साथ ये म्यूटेंट वायरस एक नई प्रॉब्लम आ गई है, तो बहुत सारे व्यूअर्स ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कोरोना वायरस से भारतीय जो हैं वो बच पाएंगे, क्या रहेगा आगे कोरोना वायरस का। लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, सो वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है हमें यहाँ पे। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। एंड देन हमें यहाँ सौरों का कार्ड है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड देन वन फाइनल कार्ड ये निकला है, तो हम इसको जरूर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सक्सेस भी है और कहीं ना कहीं ये जो भी अभी तक हुआ है इसके ऊपर अगर हम देखें जो कोरोना का जो कंडीशन रही है ये बहुत ही सैड रही। शुरुआत में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों की जान भी गई है और काफी ये इससे काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं और ये सैडनेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई है कोरोना वायरस की वजह से। इट्स अ सैड न्यूज। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें आया है ये स्फेयर, 12 ऑफ स्फेयर का कार्ड। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब जो ये वैक्सीन पे वर्क हो रहा है और जो अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, तो यहाँ पे नजर है भारत की। और यहाँ ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो ये जो लेडी आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन ड्रेस में, ये मदर नेचर है। यहाँ पे जो धरती माँ है, जो प्रकृति है, उसको ये कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो भी सक्सेस हमें मिलेगी वो सक्सेस हमें प्रकृति की वजह से मिलेगी, नेचर की वजह से मिलेगी और यहीं पे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। जो नेचर है वही हमें यहाँ पे सर्वाइव करा रहा है। और यहाँ पे जो सक्सेस है, ये सक्सेस का कार्ड है और ये मदर नेचर इज लुकिंग टुवर्ड सक्सेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मदर नेचर है, जो प्रकृति है, वहीं से हमें यहाँ सक्सेस मिलेगी। इस ये जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर जो हमें इम्यूनिटी जो चाहिए वो हमें मदर नेचर से मिलेगी। और उसके अलावा ये जितनी भी चीजें ट्राई करी जा रही हैं, चाहे वो वैक्सीन हो गई या कोई भी चीज हो गई, वो इतनी कारगर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये बेशक क्योंकि ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये सैड न्यूज बता रहा है, यानी कि जो भी डिस्कवरीज की जा रही हैं इम्यूनिटी के लिए, जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं, वो यहाँ पे मुझे कारगर नहीं दिख रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे सक्सेस जो हमें मिलेगी वो हमें सिर्फ मदर नेचर के थ्रू ही मिलेगी। मदर नेचर ही हमें इस प्रॉब्लम से बचा सकती है क्योंकि प्रकृति है, ग्रीन ड्रेस आप देख रहे हैं तो ये नेचर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो यहाँ पे हमको यहाँ बचा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सोचें कि वैक्सीन जो आ रही है वो एक बहुत पॉजिटिव थिंग है, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। वैक्सीन पे ज्यादा ट्रस्ट ना करें, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और जो नेचर जो चीजें हमें देता है उनको यूज करें, उनसे ही अपनी प्रकृति से ही अपना जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएं। चाहे वो तुलसी लीव्स हो गई, चाहे टर्मरिक हो गई, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इस दौरान काफी ये इन सब चीजों को यूज किया है, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाई है, वही चीज आप कंटिन्यू करें और उसको ही इम्पोर्टेंस दें, उस पर ही ट्रस्ट करें। क्योंकि ये जो और वैक्सीन आ रही है, इट्स अ सैड न्यूज, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वैक्सीन आर नॉट गोइंग टू, मेरे को यहाँ पे नहीं लगता कि जो वैक्सीन है वो उतना असर करेंगी जितना आप लोग सोच रहे हैं या हम लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी सक्सेस जो हमें मिलेगी ये क्लियर हमें प्रकृति की वजह से मिलेगी और जो हमारी इम्यूनिटी है उससे ही मिलेगी। तो भारत में जो लोग हैं हम जो नेचुरल रेमेडीज यूज करते हैं, वही नेचुरल रेमेडीज हमें यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी को यहाँ पे स्ट्रांग करेगी और हमें बचाएगी इस वायरस से। बाकी ये वायरस जो है ये काफी यहाँ पे सैड न्यूज की तरह है, ये इतनी आसानी से जाने के उसमें नहीं है। कम से कम 2 से 3 साल तक ये अभी अपना असर रखेगा, 2-3 साल लगेंगे इससे प्रॉपरली निकलने में, समय लगेगा। और आप सिर्फ बच सकते हैं अगर आप प्रकृति की रिस्पेक्ट करते हैं, नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, नेचर ही हमें यहाँ पे बचा सकता है, ना कि कोई पर्टिकुलर वैक्सीन। तो ये वैक्सीन जो बनाई गई है, अब ये मैं उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि ये जो है एज अ ब्लेसिंग सामने आए वैक्सीन और इफेक्ट करे। लेकिन एज पर माई टेरो डेक रीडिंग, ये आप इसके ऊपर इतना ट्रस्ट ना करें क्योंकि यहाँ पे ये बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा। पॉजिटिव यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिख रही है और वो ये कि मदर नेचर जो है, जो प्रकृति है, जो आपकी नेचुरल जो इम्यूनिटी आपकी है वही आपको यहाँ बचाएगी। और उसके लिए जो आप पिछले कई महीनों से या पिछले एक साल से जो आप घर में जो अपने चीजें यूज कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसको कंटिन्यू रखें और साथ ही साथ मदर नेचर की रिस्पेक्ट करें। मदर नेचर को जितना आप रिस्पेक्ट करेंगे उतनी ही आपको यहाँ ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप इस कंडीशन में बच पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो भारत में जो ये
नेचुरल चीजें हम यूज करते हैं, रेमेडीज यूज करते हैं, वही हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी कोरोना म्यूटेंट वायरस से। और आप लोग बहुत पॉजिटिव रहें क्योंकि यहाँ पे मदर नेचर है, ठीक है। मदर नेचर जो है वो इसको देख रही है और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे सक्सेस, क्लियर सक्सेस देंगी वो, क्योंकि इनका जो नजर है वो सक्सेस कार्ड के ऊपर है और ये मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मेजर कार्ड है ये, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो है ये मेजर कार्ड है इनका। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेंगी और जो ये प्रोटेक्शन इनकी तरफ से होगी उतनी इन वैक्सीन से नहीं होगी। जो भी ये वैक्सीन बन रही हैं, इट्स गोइंग टू बी नॉट दैट वेरी पॉजिटिव। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सैड न्यूज भी है, तो कुछ भी हो सकता है, वैक्सीन का इम्पैक्ट भी हो सकता है। और मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और जो आपकी जो इम्यूनिटी है उस पर आप वर्क करें। जो आप नेचुरल चीजें यूज कर रहे थे, गर्म पानी पीना और जो भी चीजें हैं, आप बेटर जानते हैं आप क्या यूज करते हैं, गर्म पानी या टर्मेरिक या तुलसी लीव्स, तो वही आप कंटिन्यू करें, इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ाएं और प्रकृति की रिस्पेक्ट करें, नेचर की रिस्पेक्ट करें। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर वैक्सीन और पर्टिकुलर मेडिसिन, बिकॉज योर ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अपने आप में ही उसमें इतनी सारी चीजें हैं आपकी बॉडी को डिफेंड जो करती हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो ये सब चीजें आपको जो है प्रकृति देती है और उनकी आप रिस्पेक्ट करें, दैट्स इट। और आप किसी भी वायरस से यहाँ फेस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। और जहां तक भारत की बात है, यहाँ मुझे लगता है कि जो इम्यूनिटी है लोगों की वो ही उन्हें बचाएगी। और ये जो कंडीशन है कोरोना की, ये कम से कम अगले 2-3 साल तक रहने वाली है अभी, इसलिए आपको अपनी इम्यूनिटी को ही बचाना होगा और उसी से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस यही मुझे यहाँ पे देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्वीन आई है और ये प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रही है कहीं ना कहीं क्लियर, और सक्सेस की तरफ इनका ध्यान है, तो डेफिनेटली ये सक्सेस हमें प्रकृति से ही मिलेगी और नेचर ही हमें यहाँ पे बचाएगा। हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वही हमें यहाँ बचाएंगी। और बाकी ये वायरस जो है ये अभी कुछ समय और रहेगा, कम से कम 2-3 साल तक तो ये रहेगा, और ये एक सैड न्यूज लेकर आया है, एक अंधेरा सा, एक आंधी सी लेकर आया है, लेकिन इसको दूर करेंगी ये मदर नेचर। यहाँ पे सन है, सन अपने आप में जो उनकी रेज होती हैं इतनी पॉजिटिव होती हैं, तो वो पॉजिटिव रेज जब फैलेंगी पूरी धरती पे तो ये वायरस अपने आप, इसका असर कम हो जाएगा और वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रकृति को ही हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इफ यू लाइक द रीडिंग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड इफ यू वॉन्ट अ पर्सनलाइज रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।